और इस आयत के तहत
कभी जनाबे मुताली आगे बढ़े, कभी हमजा आगे बढ़े, कभी जाफर आगे बढ़े, लेकिन जिस वक्त रसालत पर हमला हुआ, जब रसाला ने ये कहा कि हमारे तुम्हारी रसालत पर यकीन नहीं है, पर सब की बंदवत अकेले नहीं जा रहे हैं, बल्कि हसनैन के साथ मिला, बजाय कायनात के साथ मिला, जनाबे फातिमा को साथ आए जब बताया कि देखो हमारी रसायत के रिश्तेदार है, तुम खुद से भी रिश्तेदार पैदा कर लो, इनके मुकाबले में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, कैसे मेरे सालों के रिश्तेदार अल्लाह के। कोई बच्चा पैदा हुआ अभी तक वो नहीं आया दुनिया में, उसकी रिश्तेदारी भी मौजूद है, किधर का आया अब ये उसके बाप है, ये उसकी माँ है, ये उसके भाई है, यानी रिश्ता तय उस वक्त से होता है जब से उस इंसान का वजूद तय होता है। आप आंखों के तौर पर पूछना चाहता हूँ, तारीख के पास क्या कोई ऐसी जमानत है जो बता सके, ऐसी गवाही है जो कह सके कब से शुरू हुआ और इसके रिश्तेदारों का वजूद कब से शुरू हुआ। अजीबाने मोहतरम यही तो वजह है कि दुनिया ये समझ रही थी कि ये दुनिया में सिर्फ रसूल के रिश्तेदार है, नहीं ये सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि आलम नूर में भी रसूल के रिश्तेदार थे और आलम सऊर में भी रसूल के रिश्तेदार है। यही तो वजह है कि जिस तरह दुलशिया ने अपनी मरतबत ने कहा कि मैं नबी हूं, आलम सऊर का कलमा था लेकिन आलम नूर का कलमा यह था कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आजम आप दिन के दरमियान थे, यानी अगर हमें खत्म मरतबत की जिंदगी और उनके रिश्तेदारों की जिंदगी समझना है तो इसके लिए जरूरी है कि आलम नूर की जिंदगी को भी समझे, आलम सऊर पूरी जिंदगी को समझे। हम ये समझते हैं कि जो आलम सऊर की जिंदगी है किसी पर पूरी कायनात की हुई है, नहीं बल्कि आलम सऊर जिंदगी है जिसको खत्म मरतबत ने बता दिया कि देखो सबसे आलम नूर में मदद की जरूरत पड़ी तो यही अली थे जिन्होंने मेरी मदद की, यही फातिमा थी जिन्होंने मेरी मदद की, अगर मुझे आलम जहूर में मदद की जरूरत आई तो लिबासे हैरान इंसान बैठकर हुजूर के साथ दुनिया के सामने आकर मेरी दुनिया में मदद करते रहे। आज दुनिया ये कह देती है कि हम लोग जाली वाले क्यों कहते हैं, रसूल अल्लाह ने अलग बता दिया कि देखो जब आलम नूर की बातें थी तो वहां आदम कह रहे थे जाली मदद, अब्दुल कह रहे थे जाली मदद, इब्राहिम कह रहे थे जाली मदद, और आलम सऊर में मैं कह रहा हूं और हमारी ये कौम कह रही है जाली मदद, यानी बिना अली की मदद से हमारी जिंदगी कबूल नहीं है, काबिल एतबार नहीं है। अली ने हर जगह पर दुनिया की मदद की है और यही तो मसला है कि जब जब दुनिया के सामने बात आई कि जिब्रील बेस्तराज है फैलाए कायनात तो दुनिया ने आवाज उठाई कि कब आए थे जनाबे जिब्रील, तो नौलाए कायनात ने उनको दर्श दिया। लेकिन हाथ को जोर हुआ होगा अगर सिर्फ आलम सहूर की जिंदगी को समझोगे तो आलम नूर की जिंदगी समझ न पाओगे। बात से बात हुई कि आलम सहूर की जिंदगी में जो शागिर था उसे अब बड़े वफारी कहते हैं, यही वजह है कि मेराज में जिब्रील ने अजान दी थी और रबीर के मेराज में अबू बड़े वफारी ने अजान दी, दोनों की अजान में मिली तो पता चला कि इन दोनों का उत्पाद एक है जिसे मौला जिंदगी को उस रब की तरफ ले जाना होगा, उस तरफ ले जाना होगा जहाँ माला कायनात के कदम है। आज जरा सी तंगी आती है, जरा सी परेशानी आती है, हम मुस्तहिल हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, अल्लाह हम तो बहुत बड़े नमाजी हैं, हम तो बहुत बड़े बड़े रोजेदार हैं, हम तो बहुत बड़े मुसलमान हैं, अजादार हैं, ये परेशानी हमारे लिए क्यों है। मैं हाथों को जोड़ के कहूंगा को नहीं समझा, उस रास्ते को नहीं समझा जिसको दिखाने और सिखाने के साथ दुनिया में आई थी। यही तो बार बार क्या मिलता है, जनाबे मुर्तार आज कैसा सहाबी है, कितना मोहतबर सहाबी है, लेकिन मौलाए कायनात की खिदमत से आते हैं, आने के बाद कहते हैं आप
परेशानी है, बहुत तकलीफ है, लेकिन मेरे पास आज रात के लिए खाना है, कल मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। एक बार मौलाए कायनात ने कहा, मैं साथ कोई टुकड़ा उठाओ पत्थर का, जनाब मेहरबान से टुकड़ा उठाया, मौलाए कायनात ने कहा इसे अपने हाथों पर रखो, हाथों पर रखा है टुकड़ा, अब इशारा हुआ वो टुकड़ा जो मिट्टी का था वो सोने में तब्दील हो गया। मौलाए कायनात, लेकिन अब यहाँ पर जनाब मेहरबान को चले ना जाना चाहिए था, फिर उसे सोने का इतना बड़ा टुकड़ा मिल गया है, लेकिन ऐसे गुलामों पर और ऐसे मौला के चाहने वालों पर आपको सलाम, जनाब मेहरबान हाथ एक दूसरा टुकड़ा ढूंढ रहे हैं। मौला ने कहा, क्या ढूंढ रहे हो? नाम वाला बताता हूँ। और उसके बाद उस बड़े टुकड़े से सोने के टुकड़े के कई हिस्से किए, बड़े सबसे छोटा जो टुकड़ा था उसको लेकर जाने लगे। मौलाए कायनात को कयामत तक के लिए पैगाम देना है, आज हजार कितना सा तू लेके जा रहे हो और भी अपने साथ ले जाओ। जनाब मेहरबान ने कहा, ये टुकड़ा आज के लिए काफी है, वो दूसरा इंसान होता है जो कल की फिक्र करता है, मेरे पास आज जैसा मौला है जो मैं सिर्फ आज की फिक्र करता हूँ। सलवा देते दुनिया ने आज के आज ये कोशिश की है कि हम लोगों से अहले बैत फैला दें। जो लोग हज पर जाते हैं उन्होंने देखा होगा किस तरह से हज की मरतबत के कदमों के निशान दिखाए जा रहे हैं, उनकी जिंदगी के निशानात दिखाए जा रहे हैं, लेकिन दुनिया सालिम ताकतें आलम जहूर के निशान दिखा सकती है, लेकिन आलम नूर के निशान नहीं मिटा सकती। दुनिया ये कह सकती है कि धरती का सबक के निशान जो कदमों के है उनको मक्का और मदीना से मिटा सके, लेकिन परवरदिगार माफ देगा तुम उन निशानात को कैसे मिटाओगे जो मेरे हबीब के कदमों के निशान काबा और हुसैन की मंदिरों पर मौजूद है। तुम दुनिया में ये तो कह सकते हो कि खैबर कहाँ हुआ, उनकी क्या तारीफ है, लेकिन तुम्हारी उस फसाइल में कैसे उठाओगे जो आलम नूर के फसाइल है, कि जमीन पर खड़े खड़े चांद को सूरज को वापस करके बताया कि हम फसाइल है वो मुसम्मा है, वो बायस है जो दुनिया के साथ में मौजूद है। दुनिया आज ये तो कर सकती है कि सखावत है जनाब फातिमा को झुटला सकती है, लेकिन दुनिया क्या करे कि दुनिया ही के दानिशवरों ने नजाने कैसी कैसी किताबें लिखी। इस मैरी ब्राउन एक अंग्रेज राइटर है, एक ईसाई मजहब से ताल्लुक रखती है, उन्होंने एक बहुत कठिन किताब जनाब फातिमा के ऊपर लिखी। पूछने वाले ने पूछा, ये बताइए आप ईसाई मजहब से लिखी है, आपको खदीजा के ऊपर किताब लिखनी चाहिए थी, आपने जनाब फातिमा जहरा के ऊपर किताब लिखी, तो वो कहती है कि फजाइल दोनों के पास थे, लेकिन जमाल और फजाइल जनाब शहजादी के फातिमा जहरा का बहुत फर्क था। और वो चीजें लिखती है कि जनाब मरियम ने और जनाब शहजादी फातिमा ने फर्क था, जनाब मरियम जब खुद खाना खा लेती थी तो बचा हुआ खाना गरीबों में बांट दी थी, फातिमा उसका खाना है जो पहले दूसरे को खिला देती थी। मौला इमाम हुसैन ने सिर्फ उसको मालूम कर दिए हैं, आ रहा यही तो वजह है कि जनाब सैनब ने भी तय कर लिया था कि तुम हमारे खुश मिटाने के लिए तैयार हो, तुम मकसद करबला मिटाने के लिए आमादा हो। हम एक ऐसा सरमाया दे देंगे जिसे दशरादा कहते हैं, जिसे आजादा हुए इमाम हुसैन कहते हैं, तुम ताकत लगा दे जाओगे, तुम बड़ा हो जाओगे, ना जाना और यही वजह है कि जिसने भी इन दूसरी कदमों से अपनी जिंदगी को आरास्ता किया वो कामयाब और कामराज है। यही तो वजह है कि हमारे यहाँ के मुजाहिदीन जिन्हें अल्हम्दुलिल्लाह हजरात कहते हैं, 100 साल पहले 50 साल पहले का वाकया है जब शाह ईरान की हुकूमत ईरान में थी, तो शाह ईरान ने
यही रविश है, यही चर्चा अगर हमारे अंदर काम कर है तो हम स्वयं को यहाँ भरम राष्ट्र काल नहीं कह सकते हैं कि हम हुसैन के मतवाले हैं, हम अली के चाहने वाले हैं। आज बताओ ये बात मुसलसल 10 साल से चल रही है, हमारे महाराज जान के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, कहा जा रहा है कि माजदा ये मासूम नहीं है, हम इनकी तकलीफ नहीं करेंगे। अभी राज मोहरम अभी पहले साल बाहर से बात करती थी, हम इनका जवाब दे देते थे, लेकिन अब आपस में अंदर से बात हो रहा है, ये सबसे बड़ी साजिश है, हमें इसका जवाब देना होगा। हम इनको जवाब देना चाहते हैं कि तुम ये कहते हो कि गैर मासूम की तकलीफ नहीं कर सकते, तो तुम्हें सारी मेहरमान हुसैन नहीं पता है। 4000 आका हुसैन मेरे पास आए थे, आका ईमान हुसैन आइए, आका ईमान हुसैन आइए, ईमान हुसैन खुद नहीं गए बल्कि मुस्लिम ने अमीर को भेज कर बताया कि अगर मासूम किसी को लुराई का बना ले तो गैर मासूम होते हुए मासूम निकला है। वो भजन का सिपाही के हाथ पर आतंक को अपनी जान बचाना मुहाल है, हम उसे इस्तेमाल नहीं करते,
کسی عزیز کی قربانی اپنے سامنے دیکھ کو پتا چلے گا کہ یہ کیسے شرمسار تھے. ہاتھ ہزاروں بدمنان کے سامنے اس بچے کو بلی کروانے کے بعد وہ بیوی آگے بڑھی پکی جا رہی ہے. اسی بھیڑ میں کیا دیکھا کہ ایک بیوی کے آغوش میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو بھی 6 مہینے کا ہے اور اس کے بچے سے بہت خوشحال ہے. وہ بیوی ابھی اپنے بچے کو دھو کے آئی ہے, اس بچے کو بار بار دیکھ رہی ہے, آگے بڑھتی ہے, پھر مڑ کے دیکھتی ہے, پھر آگے بڑھتی ہے. ایک بار روزے امام حسین کے اندر داخل ہونا چاہتی ہے, ایک بار اس بیوی سے مخاطب ہو کے کہتی ہے بیوی آپ کا بچہ میرے بچے کی شبیہ ہے, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے بچے کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی آواز میں لے لوں. ایک بار اس کو سمجھے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا, آگے بڑھ جاؤں گا ختم کر دوں گا. آزاداروں جناب سیلب کو امام حسین سے بہت پیار تھا, جب تک آقا حسین جناب سیلب کو دیکھ نہیں دیتے تھے بستر پر سوتے نہیں تھے, جب تک سیلب آقا حسین کو دیکھ نہیں لیتی تھی اپنی سہانا آواز نہیں کرتی تھی. ارے تصور کریے جو بھائی بہن اتنی محبت کرتے ہو, ارے جناب سیلب نے کیسے محرم نہ دیکھا ہوگا باہر نکالا تو کئی مہینے تھا وہ بچی میری طرح دیکھتی رہی. میں سمجھ گئی